हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान, दिस इज फैजान। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं अली रियाज के टिकटॉक वीडियोस पर। तो शुरू करते हैं, हियर वी गो। सो गाइस, इस वक्त आप कराची के दो खूबसूरत नजारे देख सकते हैं। पहला तो ये व्यू और दूसरा ये लड़की के साथ खड़ा लड़का। लड़की वाला लड़की मेरा नाम लेगा, लड़की की कोई इज्जत नहीं है। सही था यार, ये खुद की दौलत पे क्या गुरूर करना, मजा तो तब है जब दौलत खुद की हो और गुरूर बाप करे। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। जिन्होंने हमें हमारे बुरे वक्त में बुला दिया था, अपना अच्छा टाइम आने पे हम उनको बुला देंगे। और ये जो लोग कहते थे हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इनका गुरूर मिट्टी में मिला देंगे। सही। अच्छा दोस्त जिंदगी को जन्नत बना देता है, इसीलिए मेरी कदर किया करो सालो, वरना एक दिन कहते रह जाओगे। ओ सही था। ऋषि अपने पाँव दिखाओ। अरे यार ये तो सीधे हैं। क्या मतलब? यार मैंने सुना था कि चुड़ैलों के पाँव उल्टे होते हैं। किस्मत तो लड़की भले ही धोखा देती है, लेकिन जब साथ देती है ना तो जिंदगी बदल देती है। सही है, ये भी है, ये बात तो सही है। पर लड़की जब आप, कई बार लड़कियां आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर देती है। सुंदर थी मगर झूठ बोलती थी, क्योंकि वो दिल लगाने से पहले दौलत तोड़ती थी। ये देखिए, ऐसी लड़कियां जिंदगी बर्बाद करती है। वैसा ही वीडियो आया बाद में, उसके बाद ये आई। मैं चाय पीने वाली दोस्त ढूंढता रहा और मिल खून पीने वाली गई। इस तरह से गर्ल्स को टीज करने में बहुत मजा आता है। हाँ। हम वो पत्ते नहीं और चार दिन के प्यार के पीछे अपनी जिंदगी की वाट लगा दें। बेटा हम बर्गर बच्चे नहीं। बर्गर, बर्गर बच्चे क्या होता है? हाँ यार, ये समझ नहीं आया। ये लड़कियाँ अपनी बायोडेटा में लिखती है कि वेट 50 किलो, हाइट 5 फुट, पर ऐसा क्यों नहीं लिखती कि जिबान 12 फुट की है? महबूब तो सभी के होते हैं, पर बेमिसाल सिर्फ मेरा है। ओहो, नाइस वन। जब चाहत नहीं रही उसे पाने की, तो नियत कर ले उसे बुलाने की, क्योंकि जब जेब में पैसा और फोकस करियर पे होगा, तो हर दूसरी लड़की खुद कोशिश करेगी तुझे पटाने की। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू। शर्म के दायरे में आज भी रहता हूँ, कभी कभी दिल चाहता है कि सीने से लगा लूँ, पर क्या करूँ बहुत डरता हूँ। ये बस एक वीडियो नहीं, अपने दिल के जज्बात बता रहा हूँ। मैं आपसे कह नहीं पाता पापा, पर आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पापा को डेलिकेटेड था। हमारे कारनामों का अंदाजा यहीं से लगा लो मेरी जान। स्कूल में लड़की किसी और लड़के के साथ भी बाहर जाती थी तो नाम मुझ पे ही आता था। गुड वन, नाइस बाइक। कुछ दोस्त शराब की तरह होते हैं, जितने ज्यादा पुराने उतने ज्यादा कीमती। वेरी ट्रू। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं कभी उनसे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन आज उनसे आगे भी हूँ और आग भी लगाई हुई है। हमने वफा करना एक ताले से सीखा है, जो खुद तो टूट जाता है मगर चाबी कभी नहीं बदलता। वेरी सही, वेरी ट्रू। चाबी वही रहती है, ताला टूट जाता है। जब नाखून बड़े हो जाएं तो नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह जब किसी रिश्ते में गलत फहमियां पैदा हो जाएं तो गलत फहमियों को दूर करते हैं, रिश्तों को नहीं। वेरी ट्रू। काफी अच्छे अच्छे लाइफ लेसन दे रहे हैं अपने टिकटॉक वीडियोस के थ्रू।
ये मोहब्बत के हाथ से अक्सर दिलों को तोड़ देते हैं। ये आजकल के लोग चंद दिन प्यार करके फिर यूं ही छोड़ देते हैं। ज्यादा दोस्त नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो दोस्त हैं उनसे दोस्ती ज्यादा देर तक चाहिए। ओ मैनू ये एंड में ऐसा आके ऐसा करते ना, वो बड़ा फनी लगता है। तो बस एक बार मेरी नजरों से देखना, दुनिया का एक हसीन नजारा लगती हो। बोलने के बाद ऐसा हंस के स्लो मोशन होता ना, बड़ा फनी सा लगता है मुझे। अली भाई हर वीडियो में ही होता है भाई, बेवफा लड़कियों के लिए एक लाइन हो जे, कुछ लड़कियों का दिल बॉडी लोशन की तरह होता है, बॉडी भी लगा लेती हैं। ये अच्छा था, पर इसमें म्यूजिक अच्छा नहीं लग रहा है। ये फनी चीज थी, क्योंकि मैं एक से करता हूँ मगर सच्चा करता हूँ, मैं वो लड़का नहीं जो हर लड़की पे मरता हो। जाने में जिगरा बड़ा है इसलिए टकराने आ गया, और जाके कह दो इन कुत्तों से इस जंगल में शेर पुराना आ गया। वेरी नाइस नाइस, ये इसमें थोड़ा अलग था एटीट्यूड एंड। कभी भी किसी और के लिए खुद की सेल्फ को चेंज मत करना, क्योंकि जो तुम्हें पसंद कर सकता है वो थोड़ा एडजस्ट भी कर सकता है, तो किसी और के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। इंसान हो या डॉक्टर, दिल हो या अस्पताल, जब दोनों की हालत हद से ज्यादा बिगड़ जाए तो दोनों को ही जवाब दे देते हैं। नाइस। जब बात माँ बाप की इज्जत पर आ जाती है ना, तो फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, वक्त नहीं लगाता अपनी मोहब्बत के साथ बेवफा होने में। जगी वे साथो रंगीन सी है जिंदगी, एक नया सा एहसास है, जिससे मीलों की दूरियां हैं वही दिल के पास है, और लोग पूछते हैं मुझसे खासियत तेरी, मैं कहता हूँ उसमें कुछ खास नहीं, वो खुद ही बहुत खास है। जे होवे दूजा कान करा, कदे भी पंजाबियों नु भूल के भी ना छेड़िया जे, वरना आज जेल कल बेल ते परसों तो फिर वही पुराना खेल। सही था है। काफी जबरदस्त वीडियो थे इनके, काफी वीडियोस हमें लाइफ लेसंस देते हैं, और कई बार फनी वीडियोस भी हो जाते हैं, और कुछ फनी होते हैं, कुछ दोस्तों के साथ मजाक करते होते हैं, कुछ बेवफाई वाले भी होते हैं, और कुछ बहुत ज्यादा सीरियस मैसेज वाले भी होते हैं, तो अच्छा लगता है। और इस तरह के मैसेज अपने वीडियो के थ्रू दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बंदों को, लोगों को मोटिवेट ही कर रहे हैं और अच्छी चीज बता रहे हैं, तो काफी अच्छा लगा वीडियो देखकर। और ये पोएट्री जब बोलते तो एक खुद की वॉइस रहती, खुद ही बोलते हैं, वो सबसे बेस्ट चीज है इनकी। इन पर मैंने पहले भी रिएक्शन किया हुआ है, एम्ब्रोज रिएक्शंस पर, तो वो वीडियोस भी आप जरूर एक बार चेकआउट करना, सर्च कर लेना एम्ब्रोज रिएक्शन ऑन अली रियाज, तो और भी वीडियोस आ जाएंगे जो हम इन पर रिएक्ट कर चुके हैं। इनके वीडियोस हमें स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद है। बिल्कुल। तो गाइज आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन कमेंट करके बताओ, अच्छा लगे तो कीजिए लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।